नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो ये रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उमरिया के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र में शराब के नशे में दो युवकों ने एक वृद्ध के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। नौरोजाबाद पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। थाना के पिचिया सरा पानी नाला खाई में 11 जनवरी को शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। नौरोजाबाद में ग्राम पिचिया में 12 फरवरी को खाई में एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शव को भी जिसकी शिनाख्त करना मुश्किल था और जिसको वहां से घटनास्थल से एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना भी मुश्किल था। ऐसे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से मर्डर का खुलासा किया गया है, जिसमें मनु अगरिया जो मृतक है उनका मर्डर उन्हीं के रिश्तेदारी नारायण अगरिया ने शराब के नशे में विवाद होने में करना स्वीकार किया है। नारायण अगरिया के पास से अन्य उनके मृतक के जूते भी बरामद हुए हैं, जो उन्होंने अपने ग्राम की भीड़ में छुपा के रखे थे। तो इसी घटनाक्रम में पूछताछ करते करते उन्होंने कबूल किया कि उनके द्वारा ये कितने आरोप हैं टोटल? दो आरोप। मध्यप्रदेश सिख समुदाय द्वारा अपने समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा चुनाव में टिकट देने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और बीजेपी से कहा कि जबलपुर लोकसभा सीट से उनके समुदाय के इरेंद्रजीत बब्बू को टिकट दिया जाए। सिख पंचों ने सामूहिक रूप से कहा कि बब्बू को सामाजिक जीवन का लंबा अनुभव है, वे पूर्व विधायक और मंत्री रहे। इरेंद्रजीत सिंह को अब जबलपुर लोकसभा से बीजेपी टिकट देकर समाज और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, जिसके लिए संपूर्ण सिख समाज उनका आभारी होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करने आए हैं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी से, यादव जी से, कि एक लोकसभा की टिकट, क्योंकि बब्बू जी की सीट खाली हुई, माननीय राकेश सिंह जी को वहां पे कंटेस्ट कराया पश्चिम क्षेत्र से और वो जीत गए और बब्बू जी ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन अब जबलपुर की सीट खाली है। हम चाहते हैं कि एक सिख प्रतिनिधि को जो एक्सपीरियंस्ड है उसको आगे लाएं और टिकट दें, ताकि हमारी समाज की, जैसे आनंद साहब ने बोला है, आवाज लोकसभा तक पहुंचे और विधानसभा में भी पहुंचे। छहगांव माखन ब्लॉक के ग्राम हैदरपुर की प्राथमिक शाला में शिक्षकों के बार बार स्थानांतरण को लेकर नाराज पालक आज स्कूल पहुंचे और स्कूल को ताला लगाने के बात कही। विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित बीआरसी के शिक्षक भी पालकों को समझाने स्कूल पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्याओं को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे स्थायी शिक्षक की मांग की गई है। पहले यहाँ पे 3 टीचर थे और उसमें दो, एक का उच्च प्रभार में यहाँ से स्थानांतरण हो गया, एक का प्रशासनिक हो गया, उनकी जगह पे टीचर अटैचमेंट पे दिए गए थे। वर्तमान में यहाँ 2 शिक्षक हैं और दर संख्या भी 52 है। ट्रिपल टीचर रेशो के हिसाब से 52 पे 2 टीचर पर्याप्त है, फिर भी एक टीचर और देने की इनको डीओ साहब ने आश्वासन दे दिया। सर, हम पिछले 5 साल से परेशान है, इसलिए कि यहाँ पे कोई भी टीचर को स्थायी रूप से नहीं करते, मतलब डीओ सर, बीआरसी ऑफिस, हमने सीएम हेल्पलाइन, हर जगह शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या करते हैं लोग, अपनी मनमानी चलाते हैं, कभी किसी टीचर को पहुँचा दे, कभी उसको पहुँचा दे, कभी उसको पहुँचा दे। तो टीचर भी क्या है कि अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, तो बच्चों का तो माइंड डिस्टर्ब होता है ना। हमारी समस्या ये है कि हर महीने हमारे यहाँ के टीचर चेंज हो रहे हैं। डीओ सर से भी हमने बोला है, कलेक्टर के पास भी हम शिकायत लेके गए, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी 8 दिन पहले एक टीचर जो अच्छे से पढ़ा रहे थे, दीपक खले नाम के, तो उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र करके और दूसरा टीचर पहुँचा दिया। अगर हर महीने टीचर ट्रांसफ़र होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको क्या पता कि ये टीचर कहाँ तक पढ़ा के गए हैं। तो हमारी मांग ये है कि पहले तो डीओ सर आए, यहाँ कंडीशन देखे और उसके बाद पानी की व्यवस्था देखे, छत की व्यवस्था देखे और पढ़ाई की स्थिति भी देखे, कि अगर ये 5 साल से समस्या लेके बैठे हैं तो इसका कोई ना कोई निराकरण तो होना चाहिए। हम 5 साल से परेशान हैं, परीक्षा का मंथ चल रहा है, अभी परीक्षा का समय चल रहा है, अभी तुमने सर को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम कल से बच्चे स्कूल नहीं पहुँचाएंगे जब तक डीओ सर नहीं आएंगे यहाँ से, और गांव वालों की, बच्चों की समस्या नहीं सुनेंगे जब तक हम स्कूल बच्चे नहीं पहुँचाएंगे कल।
सारंगपुर में आयोजित आचार्य संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महाराज की विज्ञानचली सभा को संबोधित करते हुए तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैन समाज के संत नहीं थे, बल्कि वे पूरे जन समुदाय के संत थे। उन्हें जो संत शिरोमणि की उपाधि दी गई, पहले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बाद यदि किसी को यह उपाधि मिली है तो वह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को उज्जैन में वैदिक घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। यह दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मिन टाइम को बताएगी, पंचांग और 30 मुहूर्त की भी जानकारी देगी। सूर्योदय सूर्यास्त से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण कब होगा यह भी वैदिक घड़ी बताएगी। वैदिक घड़ी से किस तरह के फायदे होंगे इसको लेकर पूर्व संभाग आयुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त ने जानकारी दी। देखिए, वैदिक घड़ी का सीधा साधा अर्थ है कालगणना का जो भारतीय सिस्टम था उसको एक घड़ी के रूप में प्रस्तुत करना। मैं पिछली बार वेनिस गया था तो वहाँ पर एक घड़ी थी जो कि समय के साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को बताती थी। उज्जैन तो ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध है, कालगणना यहीं से होती थी, इसलिए उचित ही है कि यहाँ कालगणना की भारतीय पद्धति जो थी उसको बताया जाए। तो जैसे आज घड़ियों में घंटा मिनट सेकंड बताया जाता है, तारीख बता देते हैं, वो घंटा मिनट सेकंड की जगह वो घड़ी पल विपल बताएगी। इंदौर शहर के ई रिक्शा चालक बुधवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। करीब 7,000 से ज्यादा ई रिक्शा चालक दोपहर को चिमनबाग मैदान पर एकत्रित हुए। दरअसल शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के चलते प्रशासन ने शहर के बाहर तय रूट पर ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है। ई रिक्शा चालक इसी का विरोध कर रहे हैं। शहर का यातायात सुचारू चले, सुव्यवस्थित चले, ट्रैफिक व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए प्रशासन ने चाहा है कि हम जितने भी लोग हैं 23 रूटों पे चले जाए। 7,000 ऑटो, बैटरी ऑटो अगर रूट पे जाते हैं तो हमें झगड़ा चालू हो जाएगा सवारी को लेके, क्योंकि हमारे पास कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है। तो ये जो नीतिगत निर्णय नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में एक स्पष्ट प्रावधान है कि बैटरी ऑटो रिक्शा को रूट ना दिए जाएं, तो मोटर व्हीकल एक्ट का अगर ये पालन नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। आज हमारी 3 दौर की मीटिंग चली, एक बार जिला प्रशासन से चली, 2 बार RTO से चली और एक और बार यातायात पुलिस के अधिकारियों से। हमने स्पष्ट कह दिया है कि हमको में रूट में बांधने की कोशिश ना करो, अगर आप करते हैं तो हम काम नहीं करेंगे, हम मध्य प्रदेश शासन को अपनी चाबियां सौंप देंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि तमाम सोर्स के माध्यम से शैक्षिक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है। चिंता का विषय है कि भोपाल और इंदौर जैसे शहर शिक्षा में पिछड़ रहे हैं, इसके लिए हम कदम उठा रहे हैं। सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम हो सकता है संवाद का, संपर्क का, तो आप हो सकते हैं। इसको मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको रखेंगे, डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा संवाद। कई चीजें हम लोग कर रहे हैं, जैसा अभी राजेश ने बताया, ये बड़ा एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये हम किसी से मांगते नहीं है, ये जो आपको अभी सामने प्रेजेंटेशन जो दिया है, अगर मांगा जाता तो वो लोग उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं चीजें। ये हम उठाते हैं, रेंडमली उठाते हैं, पता करके अपने सोर्सेज जो है, कुछ राष्ट्रीय स्तर पर है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और NGOs के माध्यम से जानकारी आती है, उसके आधार पर इतने लाभ। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई जिले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है, वो लगातार टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ वाली स्थिति है कि कैपिटल सिटी भोपाल हमारी बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल इंदौर, ये शासकीय स्तर पर जो स्कूलिंग है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।